बिल्कुल नहीं छोड़ रहा मैं इतना कभी कभी मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, पता नहीं ज़िंदगी में कोई लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बस ये अच्छी बात है कि मैं अभी तक वैसा हुआ नहीं हूँ जैसे कैरेक्टर प्ले करता हूँ कि कहीं से लड़की उठा ली या मैं किसी के पीछे हाथ धो के पड़ गया हूँ, तो अभी ऐसा हुआ नहीं हूँ। और एक दो करे ऐसे नेगेटिव तो मैं ऐसा भी हो जाऊँगा, लेकिन मज़ा आता है नेगेटिव का ना, एक अपना एक अलग ही मज़ा है, उसकी एक अलग ही खुशबू है। बहुत डिफ़िकल्ट है ये जो पहने का, ये उसे ही पता चलेगा कि कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। पर अभी क्या है कि आदत कर डालनी पड़ेगी। आज तो जैसे मुझे ये बहुत चुभ रहे हैं, ये बहुत लग रहा है, गर्मी बहुत लग रही है, ये सब काट रहा है, पर क्या करें, काम यही है। और ये जानने के बाद ही काम चुना है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए कुछ नया था कि मेरे को तो पैंट शर्ट बोली थी अचानक से क्या दे दिया। तो कहीं ना कहीं आप अपना माइंड प्रिपेयर कर लेते हो, लेकिन जब आपके पास इतना अच्छा कैरेक्टर हो, इतना बड़ा चैनल हो, इतना बड़ा शो हो, इतना चैलेंज हो, तो फिर ये सब ध्यान नहीं आता। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। तो मैं ये सोच रहा हूँ यार, रियली तब महाराजा लोग अगर ऐसे पहनते थे और तब तो एसी भी नहीं होता था, आई रियली फील फॉर देम कि कैसे वो जीते होंगे। राजा इज रिची रिच, सो शो ऑफ कर रहा है, दैट्स इट। देखिए मैं आपको सही बताऊँ ना, तो ये नाम तो मुझे नहीं पता। मुझे बोला सर ये पहन लो और मैंने पहन लिया। इसे गनचौकी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। इसे तो इयररिंग कहते हैं, इसे अंगूठियाँ बोलते हैं। लेंस लगाए हैं मैंने और ये चप्पल मेरे को थोड़ी वॉरियर टाइप दी गई है, बिल्कुल वॉरियर टाइप दी और ये एक बेल्ट है, वैसे नॉर्मल बेल्ट होती है तो गोल्ड का एक बेल्ट दिया गया है। तो काफ़ी चीज़ें मुझे भी नहीं पता, नेक्स्ट टाइम बताऊँ। आई फॉलोड इट अ बिट एंड सिद्धार्थ डिड अ वंडरफुल जॉब एंड एज सच अशोका इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग कैरेक्टर फॉर मी। व्हाई? बिकॉज अशोका वो बंदा था जो ज़िंदगी में एक चीज़ को अचीव करना चाहता था, राइट, एंड ही स्ट्रगल रियली हार्ड टू अचीव इट। और जब उसको सब कुछ मिल गया, ही रियलाइज इट इज़ वैल्यूलेस, उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो निकल गया। सो आई मीन व्हाट अ वंडरफुल कैरेक्टर, कितनी डेप्थ होगी उस बंदे में, अनइमेजिनेबल, ब्यूटीफुल कैरेक्टर सीरियसली। देखिए मैंने उसको फॉलो तो किया, लेकिन जब मुझे लगता है कि मुझे अब कुछ हटकर करना चाहिए और शायद वो एक मैं रिस्क है, पता नहीं लोगों को पसंद आया या नहीं आया, क्योंकि सुमेध इतना अच्छा काम कर गया ना, मैं उसका फ़ैन हूँ। मैंने अभी बताया जैसे कि मैं जब 3 महीने पहले टीवी देख रहा था, कलर्स देखा अशोका चल रहा है, उसमें सुशीम का ही सीन चल रहा, सुमेध काम कर रहा था, मैंने कहा यार ये लड़का क्या काम कर रहा है, और मुझे नहीं पता, और गुड लुकिंग, मतलब विलन नहीं वो कि दांत निकले हुए, वो गुड लुकिंग हैंडसम बंदा और क्या काम कर रहा है यार, बहुत अच्छा कैरेक्टर मिला है। मुझे नहीं पता 3-3.5 महीने बाद ये काम मुझे ही करना पड़ेगा, पर वो इतना अच्छा कर गया है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, और कोशिश कर रहे हैं, अपना काम है कोशिश कर रहे हैं। सियामक, आई फॉलोड द शो सो आई नो कि हाउ दिस गाय प्लेड दिस कैरेक्टर, इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, बहुत चुलबुला है, बहुत एनर्जेटिक है एंड इज अ फन लविंग गाय, बट लेटर ऑन इन स्टेज उसको पता लगता है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ है, तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव इज इन आई ऑलवेज बिलीव यू ऑल हैव अ ग्रे शेड, राइट, एंड एट टाइम्स हम कुछ अचीव करना चाहते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू अचीव इट, देर आर सर्टेन ऑब्स्टिकल्स, सो जस्ट टू ओवरकम दोज ऑब्स्टिकल्स वी ऑल दोज नेगेटिव ट्रेट्स दैट आर विद इन अस, दे यू नो दे ओवरपावर अस, दैट्स व्हाट हैपन्ड। सो इट्स आई बिलीव इट्स जस्ट अ फाइट फॉर द थ्रोन, राइट, वी ऑल थ्री ऑफ अस, मी अशोका एंड सुशीम, वी आर फाइटिंग फॉर द थ्रोन, राइट, एट द एंड ऑफ द डे। सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर फाइटिंग समथिंग देयर इज सम स्पिरिट एंड यू कैन टेक इट इन अ नेगेटिव वे और अ पॉजिटिव वे, दैट्स इट। मैं उसके साथ परसों शूट कर रहा था, काफ़ी देर बैठ के मैंने उससे बात की, उसकी डायलॉग डिलीवरी की, तू उसको कैसे लेता तो, या मैं इसको ऐसा ले रहा हूँ कि, और क्या चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि बात छोटे बड़े की नहीं है, जब आप काम किसी का अच्छा है तो है, उसने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं उससे जितना बेसिक चीज़ें ले रहा हूँ, क्योंकि सारा मैं उधर से ले लूँगा तो फिर चेंज क्या लगेगा। तो जैसे मैं थोड़ी आवाज़
चेंज करके कोशिश कर रहा हूँ. कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा नहीं, मैं लगा हुआ हूँ कि क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेट्स सी कैसे कैसे आगे होता है. ऑल आर गुड गाइज एंड आई एम लिटिल यंग टू देम. आई एम नॉट वर्क सो मच कंपेयर टू देम एंड इट विल बी फन. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम and every moment we keep on learning and it is very important for actors or for the entire unit to gel up, you know, because at the end of the day it shouldn't affect the product. And fortunately all are good guys, very good natured, very fun loving, so we'll have a good blast. bahut zyada bahut zyada unhone to itna umda kaam kiya hai ki matlab mujhe kuch log to aise jo ashok ke fan hai wo kehte hain yaar kyon change kar rahe ho, wahi rehne do na, itna acha kaam kar rahe hain. मैं कहा भाई वो तो है पर बच्चे बड़े भी होते ही हैं. अब आगे की ये कोई काल्पनिक घटना तो कहानी तो है नहीं, ये अशोक की लाइफ है. तो वो बड़े होकर उसने कैसे किया, क्या क्या उसको चैलेंज आए हैं, वो सब भी है. तो उन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया कि मतलब ये किसी के लिए भी, मैं हूँ, मोहित हो, कौरव की हो या जो भी, सबके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. और उम्मीद करते हैं कि हम इसको अच्छी तरह निभाने की कोशिश करें. मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जैसा प्यार आपने आज तक मुझे दिया है ऐसे और प्यार देते रहें. कोशिश पूरी करूँगा कि मैं अच्छे से काम करूँ. जहाँ भी गंदा लगे डाल देना कि अंकित बहुत गंदा काम करो, चेंज करो, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो. तो मैं, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही काम करते हैं और आपको पसंद नहीं आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. तो प्लीज़ 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 अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा मुझे और कलर्स पर अशोक देखना मत भूलिएगा मेरे लिए. Fans, I know people love Ashoka like anything. They've given a lot of love to Siddharth who played Ashoka and they've watched the show continuously. And I believe with all their belief and with their love, they'll still watch Ashoka and believe in us and accept all of us as the characters which they've been watching, the kids and now the grown-ups. Keep giving us love and your blessings. Thank you so much.